हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, बड़ी भविष्यवाणी, ये अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपके जीवन में क्या प्रभाव दिखने वाले हैं, इस महीने के जो परिस्थितियों में परिवर्तन होगा वो क्या फल देने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, धैर्य के साथ देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें हम एक ग्रह की चर्चा नहीं कर रहे, नौ के नौ ग्रह की चर्चा कर रहे हैं। और जब आप अलग अलग ग्रहों की चर्चा सुनते हैं तो कंफ्यूजन होता है। कह रहे उस दिन तो मैं वीडियो देखा था तो बता रहे थे कि अरे बड़ा राजयोग आ गया है, राज बता रहे हैं तो बड़ा दुर्योग सब खत्म, ये कैसे हो जाता है। पंडित जी ने बताया था कि भाई उस तारीख से तो बढ़िया सब कुछ बदल जाएगा 10 तारीख से, पर 15 तारीख को बोल रहे हैं कि सब गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जब आप देखते हैं, अब अभी मैं आगे इसका कारण भी बताऊंगा, आप समझेंगे चीजों को, कि जब ग्रह स्थितियों में परिवर्तन होता है तो हर ग्रह अपना प्रभाव देता है। नौ के नौ ग्रह एक ही राशि में हो तब भी एक प्रभाव नहीं मिलेगा। एक ही राशि में हो, एक ही अंश में हो, एक ही नक्षत्र में हो, नक्षत्र के एक ही चरण में हो, पाद में हो, फिर भी आपके जीवन में जो प्रभाव है सब अलग होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं ग्रह स्थितियों को। तो ग्रहों की बात की जाए तो सबसे पहले सूर्य के बारे में जानते हैं। तो ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 17 अक्टूबर को तुला राशि अपनी नीच की राशि में होने जा रहा है। चंद्रमा का परिवर्तन तो होता ही रहता है, और मंगल की बात करें तो मंगल का परिवर्तन 20 अक्टूबर को अपनी नीच की राशि कर्क पे होने जा रहा है। बुध 10 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे अपनी ही राशि को छोड़ के, और शुक्र की राशि तुला राशि पर आ जाएंगे, परंतु ये अस्त अवस्था में होंगे, और 20 अक्टूबर को उदय हो जाएंगे और पुनः 29 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के बाद देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को देखें तो देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि पर ही गोचर कर रहे हैं, परंतु 9 अक्टूबर को ये अपनी स्थिति में परिवर्तन करेंगे और वक्री अवस्था में चले जाएंगे, वक्र हो जाएंगे। शुक्र का परिवर्तन 12 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में होने जा रहा है। शनि कुंभ पर ही गोचर कर रहे हैं और यानी कि वक्री अवस्था में है, और जो राहु हैं, राहु मीन पर और केतु बुध की राशि कन्या पर। तो प्रिय दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि ये स्थितियां हैं, ग्रहों की परिवर्तन है, इससे योग भी बनने वाला है जो कि बुधादित्य योग बनेगा मूल रूप से, परंतु इस बुधादित्य योग का फल हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सूर्य नीच पे रहेंगे। और प्रिय दर्शकों, जैसे अब मैं यहां पर पुनः थोड़ा समय अवश्य लूंगा आपका, पर यह कंफ्यूजन काफी लोगों के रहता है, उसे मैं क्लियर करना चाहता हूं, शायद हो जाए, पर जिसके रहता है तो हो सकता बना ही रहे, पर मेरी तरफ से कोशिश। अब जैसे अभी आपको मैंने बताया ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 17 अक्टूबर को होगा, वो नीच के होंगे, बराबर। अब वहीं पर बुध तुला राशि में आ जाएंगे 10 अक्टूबर को ही, परंतु पहले अस्त होंगे तो कुछ और फल होगा, और 20 को उदय हो जाएंगे, 20 से लेकर 29 तक कुछ और होगा। तो हम जैसे समझें कि बुध तो बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो शुक्र की राशि पर है, परंतु यहीं पर सूर्य बहुत गड़बड़ करेंगे। तो जब आप देखेंगे कि 17 अक्टूबर से बड़ी समस्याएं हैं, पर वहीं सुनेंगे कि 20 अक्टूबर से सब कुछ बढ़िया, परंतु वहां पर फिर दूसरी वीडियो देखेंगे। अब ये बात यहां समझिएगा, वो तो थोड़ा डिफरेंस था 17 और 20 था, ठीक है, अब यहीं पर 20 ही 20 समझिए। 20 तारीख को ही बुध उदय होंगे तो उनका बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा, परंतु वहीं पर मंगल नीच के होंगे, हो जाएंगे 20 अक्टूबर से, तो वहीं पर बुरा प्रभाव मिलेगा। तो दोनों वीडियो आप देखेंगे तो एक में बताया जाए कि बहुत अच्छा होने वाला है बुध वाले में, पर मंगल में अरे सब गड़बड़, यही कंफ्यूजन होता है। और मैं हमेशा बताने का प्रयास करता हूं प्रिय दर्शकों, नौ के नौ ग्रह अलग हैं,
और उनका अलग प्रभाव है, इसलिए हर एक ग्रह अपने अनुसार फल देता है। इसीलिए इस मासिक राशिफल को देखना बहुत आवश्यक होता है। परंतु मैं अक्सर देखता हूं कि मासिक राशिफल को कम लोग देखते हैं और जो अन्य वीडियो होते हैं उन्हें लोग ज्यादा देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा समय आप लोगों को लगा होगा, परंतु हो सकता है कुछ लोगों के डाउट क्लियर हो। हम देखें तो इस अक्टूबर के महीने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय ठीक ठाक है, कोई बहुत समस्याएं नहीं है स्थितियों में। अब ये भी है कि जो मूल रूप से स्वास्थ्य के अधिपति होते हैं सूर्य, आरोग्य यानी कि वो आरोग्यता प्रदान करते हैं सूर्य, तो वो थोड़ा कमजोर होंगे, इसकी वजह से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए स्वास्थ्य का। ऐसा नहीं कि बस आप तुझे कह रहे बहुत बढ़िया है, चलो खाओ बड़ा पाओ, हर दिन खाओ, हर दिन तेल वाली चीजें, है ना। तो इसलिए थोड़ा बच के रहिए, मतलब ध्यान रखिए, पर कोई नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। अब रही बात की जो विद्यार्थी हैं स्टूडेंट हैं, यदि उनकी स्थिति देखी जाए तो बहुत जरूरी है कि आप सावधान रहें, अपने मन को स्थिर रखें, मन भटकेगा, गुस्सा आएगा छोटी छोटी बातों को लेकर, तो थोड़ा ध्यान रखिए। जो लव पार्टनर हैं उनको बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि सावधान रहने की आवश्यकता है। लव पार्टनर के लिए इस समय वो वाली स्थिति है, छोटी सी बात वो आप सहन नहीं कर पाए, बात छोटी सी होगी, ऐसी बात है कि उसमें कोई रिएक्ट ही नहीं होना चाहिए, परंतु वही छोटी सी बात में आप बहुत ज्यादा रिएक्ट करेंगे और बात याद होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, अलगाव हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिए। और जो व्यापारी हैं, तो जो व्यापारी हैं तो यदि उनके लिए देखा जाए तो व्यापारियों की स्थितियां ठीक हैं, कोई खास समस्या नहीं है व्यापारियों को, बल्कि धन लाभ की स्थिति देखी जा सकती है और व्यापारियों को कुछ न कुछ रास्ता आवश्यक प्रॉफिट का भी मिल सकता है। और जो मैं अभी बताया बात कि मंगल नीच के हो जाएंगे 20 अक्टूबर के बाद, तो 20 अक्टूबर के बाद चाहे आप व्यापारी हो, चाहे स्टूडेंट हो या कोई और हो, है ना, चाहे कुछ भी आप करते हो या कुछ ना करते हो, तो हर एक व्यक्ति को आवश्यकता होगी धैर्य रखने की, क्रोध से बचने की और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लेने की। इन बातों का अवश्य हर एक व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए और कोई भी काम आप कर रहे हो, क्योंकि ये चीजें ध्यान में नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो व्यापारियों को बहुत बढ़िया स्थितियां देखने को मिल रही हैं और जो लोग जॉब करते हैं तो उनकी स्थिति देखी जाए तो उनके लिए ठीक है, उनके लिए कोई ना कोई मौका मिलेगा और आपको लाभ भी होने वाला है, तो आपके लिए ठीक है स्थितियां। यहाँ पर जो है तो खासकर देखा जाए कि जो बुध महाराज हैं वो भी कहीं ना कहीं जब उदय अवस्था में आएंगे वो भी आपको प्रभाव कुछ ना कुछ देंगे, बस अच्छा प्रभाव देंगे। तो देखा जाए तो ये मीन वालों के लिए ये कुछ गृह स्थितियां हैं, इनका कुछ फल है, परंतु यहां पर अब हम समझ लेते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय के रूप में एक तो भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, दूसरा नित्य प्रति आप राम दरबार की सेवा करिए, यदि राम दरबार की सेवा करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपका भी कल्याण होगा। और कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए, इसके बाद निर्णय लीजिएगा। और साथ में यहां पर एक बात मैं बता दूं कि बहुत जल्द सूर्य ग्रहण होने वाला है और सूर्य ग्रहण का भी प्रभाव क्या होगा हम जल्द ही आने वाले समय में जानेंगे, तो अवश्य देखिएगा। कमेंट में अपने इष्ट का जयकारा लगाइएगा और स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।